हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज मैं डिस्कस करूंगा एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन द कैरिज स्प्रिंग। कैरिज स्प्रिंग में जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा उसके बारे में। तो कैरिज स्प्रिंग को मैं लीफ स्प्रिंग भी बोलते हैं लोग कई बार, और सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप भी बोलते हैं। तो इसको निकालने से पहले बेंडिंग स्ट्रेस को तो कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। एल स्पैन ऑफ द स्प्रिंग है, टी थिकनेस ऑफ द प्लेट, जो थिकनेस है प्लेट की वो है एल, जो था वो मैं बताया था, जो स्पैन की जो लेंथ बोल सकते हैं इसको, वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको हम स्पैन बोलेंगे। बी है विड्थ ऑफ द प्लेट, एन नंबर ऑफ द प्लेट, कितनी नंबर ऑफ प्लेट है, अगर एक दो तीन यहाँ पर तो एन नंबर ऑफ नंबर थ्री हो जाएगा, दस होती तो टेन हो जाता। ऐसे ही डब्लू है, डब्लू जो एक्ट कर वेट एक्ट करेगा या फिर लोड बोल सकते हैं, एक जो ऊपर से लग रहा है दोनों एंड पर ये लोड है और नीचे से रिएक्शन मिल रही है, बी डब्लू है तो ये भी एक तरह से लोड ही है। सिग्मा जो है वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है, डेल है ये ओरिजिनल डिफ्लेक्शन, तो जो भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा जब लोड एक्ट करेगा तो ये सीधा होने की कोशिश करेगा, नीचे से रिएक्शन मिलेगा तो इसको सीधा नहीं होने देगा, तो जब भी रिएक्शन मिलेगा इसमें तो उसमें क्या होगा, लोड एक्ट करेगा, तो लोड एक्ट करेगा तो ये थोड़ा सीधा होएगा, नहीं हो पाएगा तो जो भी इसमें डिफ्लेक्शन आएगा तो उसमें डेल से रिप्रेजेंट करता हूँ। आर्क जो है वो रेडियस ऑफ द स्प्रिंग है, तो ये आर्क में दिख रहा होगा आपको, तो ये इसका कोई ना कोई तो रेडियस होगा। अब मैं इसको इसका बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हमको मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने से पहले हम यहाँ से निकालेंगे इसका बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट निकालना है हमको, या हमें बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, बेंडिंग मूवमेंट एट द सेंटर, तो सेंटर पे हम इसका बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो लोड एक्ट एट वन एंड, एक एंड पर लोड जो एक्ट कर रहा है, इन टू एल बाई टू, ठीक है। तो क्या होगा, एम इक्वल टू डब्लू बाई टू, जो लोड है वो एक्ट कर रहा है डब्लू बाई टू इन टू एल बाई टू, तो क्या हो जाएगा डब्लू एल बाय फोर, ए डब्लू एल बाय फोर। इसके बाद मैं निकालूंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेट, एम ओ आई ऑफ द प्लेट, एक प्लेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये होगा आई इक्वल टू, ये देखने में सीधा, अगर इसको मैं सीधा देखता हूँ तो मेरे को ये दिखेगा रेक्टेंगल टाइप, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, डी टी क्यूब बाई ट्वेल्व, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इससे इसके बाद मैं आपको एक रिलेशन पता है, हमको एक रिलेशन पता है, रिलेशन क्या है, वो रिलेशन जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा एंड वाई, इन तीन चारों के बीच का रिलेशन क्या होता है, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, तो वाई यहाँ जो अगर मैक्सिमम ले रहे हैं तो वाई जो लेंगे इसकी वैल्यू लेंगे टी बाय टू, वाई की वैल्यू। अब यहाँ से मैं मोमेंट निकाल सकता हूँ, तो एम इक्वल टू सिग्मा इंटू आई अपॉन वाई, अब मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो जब मैं सबकी वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से तो मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, एम इक्वल टू सिग्मा इंटू आई जो था मेरा बी टी क्यूब बाय ट्वेल्व अपॉन वाई था मेरा टी बाय टू, टी बाय टू, तो यहाँ से एम की वैल्यू मेरी जो आएगी वो आएगी सिग्मा इंटू, या मैं इसको बोल सकता हूँ सिग्मा बी टी स्क्वायर बाय सिक्स, ये मेरी मूवमेंट की वैल्यू आएगी यहाँ से। अब मुझे टोटल रेसिस्टिंग मूवमेंट निकालना है, टोटल रेसिस्टिंग मूवमेंट कैसे निकालेंगे, एन प्लेट का, तो टोटल रेसिस्टिंग मूवमेंट, टोटल रेसिस्टिंग मूवमेंट ऑफ एन प्लेट, टोटल नंबर ऑफ प्लेट कितनी है, एन प्लेट है, तो इसके लिए क्या होगा, मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा मूवमेंट को, तो एम इंटू एम, ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल रेसिस्टिंग मूवमेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम जो सिग्मा बी टी स्क्वायर अपॉन सिक्स इंटू एन, तो ये तो था मेरा टोटल रेसिस्टिंग मूवमेंट ऑफ एन प्लेट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एन एम की वैल्यू पुट करूँगा, ये इक्वेशन मेरी वन थी, मैं लिखना भूल गया, ये वन इक्वेशन थी हमारी, तो वन को हम इसमें पुट करेंगे, जब मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी एम, मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये तो इतना तो कन्फर्म हो गया, तो जो वैल्यू आएगी हमारी एम की, ये एम की वैल्यू इस वाली को मैं इसमें पुट करूँगा, तो डब्ल्यू एल बाय फोर इक्वल टू सिग्मा बी टी स्क्वायर बाय सिक्स इंटू एन,
अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से सिग्मा। सिग्मा क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालूंगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा पहले तो टू और थ्री टाइम में, तो आएगा सिग्मा इक्वल टू थ्री डब्लू एल अपॉन एन बी टी स्क्वायर टू। ये तो मेरा था मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन द प्लेट। तो इस पे मैं लगा देता हूँ स्टार। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, या फॉर्मूला बोल सकते हैं, इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं निकालूंगा इसके बाद जो जो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ है, जो भी स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होगा मैं उसको निकालूंगा। तो डिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, अब जो है हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द लीफ प्लेट। तो लीफ प्लेट में जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन आएगा या फिर डिफ्लेक्शन जो आएगा तो वो निकालेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं इस डायग्राम को, समझते हैं क्या है। तो ये जो हमारी जो लीफ प्लेट थी, ये जो कर्व दिख रहा है ये लीफ प्लेट थी, और इसमें डेल था वो रिप्रेजेंट कर रहा था डिफ्लेक्शन को, और ये ओ ए है ये रेडियस था, मैंने बताया था आपको ये ओ ए जो रेडियस है। इसके बाद ओ बी जो है ये भी रेडियस है, और ओ सी जो है वो आर माइनस डेल होगा, क्योंकि सी बी जो है वो डेल है और ओ सी का जो फिर निकल के आएगा वो आर माइनस डेल आएगा। तब वो तब हम यहाँ से देख सकते हैं, क्या देखेंगे यहाँ पर, मैं देख सकता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी में देख सकता हूँ, या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस लगाऊंगा, तो बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, और ए ओ जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी जो है वो क्या है, ए सी है मेरा एल बाई टू, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये एल बाई टू क्योंकि जो लेंथ थी वो पूरी, इसमें मैंने स्पेन बोला था ये पूरा एल था, तो ये ए सी जो होगा वो हाफ हो जाएगा एल बाई टू, एल बाई टू इसका होल स्क्वायर प्लस ओ सी, ओ सी क्या था मेरा आर माइनस डेल का होल स्क्वायर। जब मैं इसको खोलूँगा तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर माइनस टू आर डेल। अब मैं यहाँ पे देखूंगा ये आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ जो डेल स्क्वायर है ये काफ़ी छोटा है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो वी नेगलेक्टिंग डेल स्क्वायर नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा है, बिकॉज वेरी स्मॉल इसको तो मैंने नेगलेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ मेरे पास क्या बचा, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो इक्वल टू एल स्क्वायर बाय फोर माइनस टू आर एस। अभी माइनस हट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा टू आर एस इक्वल टू एल स्क्वायर बाय फोर। अब यहाँ से मैं सॉरी एस नहीं है डेल टू आर डेल इक्वल टू एल स्क्वायर बाय फोर। अब मैं यहाँ से डेल की वैल्यू निकाल देता हूँ, डेल की वैल्यू निकालूंगा डेल इक्वल टू एल स्क्वायर बाय फोर इंटू टू इंटू आर। तो डेल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डेल स्क्वायर बाय एट आर। इसको इक्वेशन नंबर थ्री नाम देते हैं। तो ये हमारी डेल की वैल्यू आई है। अब एक रिलेशन हमको और पता है, इसको मिटा देता हूँ, एक रिलेशन और पता है हमको, किसका रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ई आर वाई और सिग्मा, इन चार का रिलेशन पता है। क्या है रिलेशन, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ये रिलेशन है। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, इनकी वैल्यू पुट करूँगा, अब यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ, इस वाली इक्वेशन से आर की वैल्यू निकालूंगा, तो आर इक्वल टू ई इंटू वाई अपॉन सिग्मा। इस वैल्यू को, और यहाँ पे वाई सिग्मा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, सिग्मा को सिग्मा ही रहने देंगे, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या थी, वाई इक्वल टू टी अपॉन टू। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो आर की वैल्यू आएगी ई इंटू टी अपॉन
टू सिग्मा, इस आर की वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा इक्वेशन थ्री में, डेल इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एट ई इंटू टी अपॉन टू सिग्मा, यहाँ पुट करा मैंने। तो मेरे पास डेल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जो डेल की वैल्यू आएगी वो आएगी डेल इक्वल टू एल स्क्वायर बाय फोर ई टी, ये डेल की वैल्यू आएगी, यही ओरिजिनल वैल्यू है। सॉरी यहाँ पे मैं सिग्मा लगाना भूल गया, ये सिग्मा आएगा यहाँ, सिग्मा ये ओरिजिनल वैल्यू है, इस पर स्टार मार लिए। ये एक ये इक्वेशन और एक हमारी सिग्मा की इक्वेशन थी, सिग्मा इक्वल टू थ्री बाय टू एन बी टी, ओ सॉरी थ्री बाय टू डब्ल्यू एल एन बी टी स्क्वायर, ये दो वैल्यूज़ हैं जो हमारी काम आती हैं। यहाँ से बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकलेगा और यहाँ से टोटल डिफ्लेक्शन निकलेगी, जो भी सेंट्रल डिफ्लेक्शन हुई है वो निकलेगी। इसके बाद सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू, यू डिफरेंट।